तुमने कॉल किया था कि भाई? हाँ भाई, क्या हुआ? ये तो शादी लाला रूम होता। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम आए वावड़दा इस गांव में और साथ में हमारे सर्पमित्र ऋषिवारी भी है। तो योगेश धनगर इस भाई ने हमें कॉल किया था, इन्हें इनके इस जगह पे दो सांप दिखाई दिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि आज कौन से सांप है। इतना जगह आते से तो नीचे है, ऊपर मध्य नीचे मतलब अच्छा नीचे। सो फ्रेंड हम आपको निकाल कर दिखाते हैं यहाँ कौन सा सांप है। अभी हमें भी नहीं पता है कि यहाँ कौन सा सांप है, देखते हैं। ऋषि भाई यहाँ पे एक सांप दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोबरा है लेकिन ये एक ही है यार। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमें यहाँ एक कोबरा दिखाई दे रहा है, शायद आपको वीडियो में प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ बैठा हुआ है, एक ही है यहाँ पे, दूसरा ढूंढना पड़ेगा। तो ये फीमेल है। अच्छा ये उधर फीमेल है, ये फीमेल है ऋषि भाई, ये क्या? ये इधर बैठा है, ये इधर है। ऋषि भाई आप उसको थोड़ा सा इधर लो। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे फीमेल ऋषि भाई ने पकड़ी है और मेल इस साइड में बैठा हुआ है। तो आइए हम आपको मेल को निकाल कर दिखाते हैं। देख सकते हो फ्रेंड किस तरह से फुंकार रहा है ये साहब, काफी गुस्से में है, ये अटका हुआ है, ये देखिए। देख सकते हो फ्रेंड काफी बड़ा साइज का ये कोबरा है। चलिए आगे चलिए। ये देखो इसके मुंह से खून निकल रहा है, इसके इसके ये देखिए निकाल रहे देख सकते हो फ्रेंड किस तरह से फुंकार रहा है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये मेल है और ये फीमेल है और फीमेल ने शायद कुछ खाया है, शायद चूहा खाया है। तो अक्सर ये होता है दोस्तों कि सांप अक्सर खेतों में चूहे या कुछ खाने के लिए चले आते हैं और इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है दोस्तों। आप देख सकते हो फीमेल और ये मेल, ऋषि भाई तरफ आते हैं ना फीमेल को थोड़ा पास लेना।
ये अभी को काटे नहीं शायद, इसलिए वो बैठ नहीं रहा है। देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पे दो कोबरा रेस्क्यू किया है, एक ऋषि सर ने और एक मैंने। तो दोस्तों ये दोनों ही इंडियन स्पेस्टिकल कोबरा है, बहुत सी जगह पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखो ये पोटी कर रहा है, तो बहुत सी जगह पे इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों। कोई इसे नाग कहता है, कोई कोबरा कहता है, कोई इसे घेवन कहता है, साइंटिस्ट इसे नाजा नाजा नाम के नाम से पुकारती है। दोस्तों इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, और अक्सर इस सांप ने जब भी आपको कभी बाइट किया तो आप कोई भी झाड़ फूल के तंत्र मंत्र के पास में या उसके चक्कर में ना पड़े, आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए। देखिए किस तरह से फुंकार रहा है, तो आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, वहाँ पे आपको इसका पूरा पूरा इलाज मिलेगा। देख सकते हो दोस्तों ये किस तरह से स्टैंड दे रहा है। जब भी ये ऐसी फन निकाल कर बैठता है और जब एक साउंड देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें काट लूँगा या तुम्हें मुझसे खतरा है। तो ये बेजुबान किसी को जानबूझकर नहीं काटते दोस्तों। अक्सर जब भी हम इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं या हमारा इस पर पैर गिर जाए तभी ये हमें वाइट करते हैं। और दोस्तों बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको ऋषि भाई देंगे हमारे। तो दोस्तों ये नाग दादी का सांप है, तो अगर इसने अभी किसी को काट लिया वगैरह कुछ कर लिया, तो इसके झाड़ फूक मंत्र तंत्र के चक्कर में कभी ना पड़े, इससे डायरेक्ट सरकारी हॉस्पिटल में जाए और इसका इलाज करे। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है जिससे। तो चलिए दोस्तों हम इन्हें बिना परेशान किए जल्द से जल्द पैक करते हैं और इन्हें जाके इनके पर्याप्त वातावरण में कहीं दूर जंगल में जाकर रिलीज कर देंगे, जहाँ पे इंसानों का आना जाना ना हो और जिससे इन्हें किसी से खतरा ना हो और इंसानों को इनसे खतरा ना हो। भाई बोरी वगैरह मिली? हाँ भैया, दो बोरी देना। तो भैया अच्छा एक डब्बा है क्या? हाँ डब्बा। तो मैं इसको डब्बे में डाल देता हूँ, वो बोरी में डाल देता। अरे वो नहीं चलेंगे भाई, ये बर्नी का चक्कर नहीं क्या? फाटेल ना को दे रहा। अच्छा दो ना करा। हाँ जा साफ। हमने यहाँ सुरक्षित से रेस्क्यू कर लिया है और ये दूसरा भी जा चुका है। कुछ बांधने के लिए मिलेगा क्या लेना? तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने दोनों सांपों को यहाँ सुरक्षित पने रेस्क्यू कर लिया है। तो भाई कैसा लगा आपको? देख सकते भैया। अच्छा तो कब से था ये सांप यहाँ पे? दो दिन से था भैया, मतलब दो दिन से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो देख सकते हो फ्रेंड, दो दिन से ही नहीं यहाँ पर उनके खेत में सांप दिखाई दे रहे थे।
तो कभी ऐसे सांप को भी मारना नहीं कुछ नहीं, कभी दिखाई दिया तो फिर सर्वमित्र को बुलाया दोस्तों। और आपको कभी भी खेत में काम करते समय किसी भी सांप ने अगर काटा तो आप किसी के बोलने पर ना जाए, किसी भी झाड़ फूक या तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े, आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे, वहीं पे आपको इसका इलाज मिलेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है एंटीवेनम के अलावा जो इसका जहर को मार सके। तो आप भी फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक करो, अगर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करो। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और